नमस्कार, मैं हूं अंजी डोगरा। हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। फर्जी स्टाम्प पर रजिस्ट्री कराने वाले दो युवक को पुलिस ने पकड़ा। सितारगंज सब रजिस्ट्रार कार्यालय में फर्जी स्टाम्प लगाकर दो रजिस्ट्रियों के कारनामे में पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। सब रजिस्ट्रार अंबिका प्रसाद त्रिपाठी ने 26 दिसंबर 2019 को थाना सितारगंज में विभिन्न धाराओं से मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने फर्जी स्टाम्प लगाने वाले स्वदेश भटनागर और मोहन कुमार को कल गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्त खटीमा के रहने वाले हैं। सितारगंज में रजिस्ट्रार कार्यालय में नानकमत्ता क्षेत्र के दीपक कुमार और मीरा विश्वास की फर्जी स्टाम्प पर रजिस्ट्री कराने के खेल में पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ थाना सितारगंज में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है। पुलिस ने अपनी विवेचना और सबूतों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को लैपटॉप और प्रिंटर के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। रिपोर्ट दीपक भारद्वाज, हिंदुस्तान न्यूज 24 सितारगंज। ये जो एक नानकमत्ता में गांव पड़ता है जंगल जोगी ढेर, यहाँ की दो रजिस्ट्रियाँ दीपक कुमार और मीरा विश्वास के नाम से दो रजिस्ट्रियाँ हमारे सितारगंज रजिस्ट्रार कार्यालय में हुई। तो इसमें जो है दोनों जो स्टाम्प पेपर लगे गए स्टाम्प लगे थे स्टाम्प ये फर्जी पाए गए थे। तो रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार की तरफ से अंबिका प्रसाद त्रिपाठी की तरफ से एक मुकदमा 26 दिसंबर को हमारे यहाँ पंजीकृत कराया गया था। तो उसमें जो है ये फर्जी स्टाम्प जारी जनरेट करने वाला और जो जिसके द्वारा जनरेट कराया गया है ये दोनों प्रकाश में आए, जिसमें एक मोहन कुमार सक्सेना है जिसके द्वारा ये जनरेट किया गया, और स्वदेश भटनागर उर्फ गप्पू भटनागर जो ये दलाली का काम करता है इसके द्वारा ये तैयार करवाया गया था। तो दोनों प्रकाश में आए थे, कल जो है दोनों को गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। सब रजिस्ट्रार अंबिका प्रसाद ने अंबिका प्रसाद त्रिपाठी जी ने मुकदमा कायम कराया था फर्जी स्टाम्प को लेकर। आने पर 255 और 258 IPC में मुकदमा कायम किया गया था फर्जी स्टाम्प को लेकर, जिसमें जिसकी तफ्तीश SSI श्री बिष्ट जी हमारे कर रहे हैं, बच्चे सिंह बिष्ट। दौरान तफ्तीश दो नाम प्रकाश में आए थे, सुदेश भटनागर और गप्पू भटनागर और मोहन कुमार सक्सेना। पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर कल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया दोनों को और आज जेल भेजा गया माननीय न्यायालय में प्रेषित किया।